सवाल है कि 2 महीना बाकी है भैया, कोई अच्छी सी बुक बता दो। आपकी अप्रैल माह में एग्जाम होने वाली है, 2 मंथ का आपके पास टाइम है। बुक कौन सी बेस्ट है ऑनलाइन अगर से आप स्टडी करना चाहते हैं तो? सबसे अच्छा दोस्तों अभी अग्निवीर के हिसाब से देखा जाए तो जो आर्मी स्टडी बिजू सर का चैनल है वो तो बेस्ट ही माना जा रहा है। तो मैं अभिषेक जतवार स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक जतवार आर्मी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि अग्निवीर रैली भर्ती की एग्जाम जो है अप्रैल माह में होने वाली है, तो सभी के मन में सवाल है कि 2 महीना बाकी है भैया, कोई अच्छी सी बुक बता दो ताकि हमारी तैयारी अच्छे तरीके से हो जाए अग्निवीर रैली भर्ती के अप्रैल माह तक। तो दोस्तों आज मैं सभी आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा बुक से रिलेटेड। दोस्तों सबसे पहले आपको बात की जाए तो दोस्तों आपकी अप्रैल माह में एग्जाम होने वाली है, 2 मंथ का आपके पास टाइम है। तो दोस्तों सभी लोग जानते हैं कि अग्निवीर जीडी और ट्रेडमैन के सिलेबस की बात की जाए तो उसमें दोस्तों जीके आपका 15 क्वेश्चन आते हैं, जीके के, जीएस के आपके दोस्तों 15 क्वेश्चन आते हैं और मैथ के दोस्तों आपके 15 क्वेश्चन आते हैं और रीजनिंग के दोस्तों आपके ओनली ऑन 5 क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुल क्वेश्चन कितने हो गए दोस्तों? 50 क्वेश्चन, यानी 15 या 45 और 5 क्वेश्चन, ऐसे 50 क्वेश्चन हो गए। और जिसमें दोस्तों 50 प्रत्येक क्वेश्चन दोस्तों 2 मार्क का रहता है, तो 50 × 100 मार्क का आपका पेपर हो गया दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हम अगर से आते हैं सबसे पहले बुक के पोर्शन पर, तो सबसे पहले बुक कौन सी बेस्ट है और क्या बुक कौन सी बुक इस बार बेस्ट रहने वाली है उस पर हम इस बार चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बुक आपके सामने स्क्रीन पर है जो कि दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट के रूप में है, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्ज़ाम का पेपर देने से पहले उसका लेवल पता होना आदमी को ज़रूरी है। तो दोस्तों लेवल की बात की जाए तो ये जो बुक है, ये बुक का नाम है दोस्तों, आपको ये ऑनलाइन फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएंगी। ये बिज्जू सर की जो आर्मी स्टडी जिनका यूट्यूब चैनल है, यहाँ पर जो पढ़ाते हैं बिज्जू सर, उनकी बुक आप अगर से सर्च कर देंगे फ्लिपकार्ट पर कि इंडियन आर्मी अग्निवीर जीडी बिज्जू सर बुक, तो ऐसा सर्च कर देंगे तो आपको नॉर्मली से दोस्तों वहां पर जो है आपको ये बुक मिल जाएंगी और 200-250 रुपये तक ये आपको बुक आसानी से मिल जाएगी। उसके बाद दोस्तों बात की जाए तो यहां पर आपको जो है चारों लेवल जीके, जीएस, रीजनिंग और आपका इसके साथ साथ दोस्तों मैथ का लेवल पता चल जाएगा। अब बात की जाए पूरा सॉल्यूशन वाली बुक, किस प्रकार से अपन सॉल्यूशन वाली बुक पता कर सकते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले हम बात की जाए, हम जाते हैं दोस्तों मैथ के लेवल पर। तो मैथ के लेवल की बात की जाए तो दोस्तों मैथ की बहुत सारी बुकें हैं, लेकिन दोस्तों हमको एक जो है अपने को आर्मी का सिलेबस के हिसाब से अपन देखा जाए तो इसके लिए दोस्तों मैथ की एसएससी जीडी की बुक बेस्ट रहेगी। क्यों रहेंगी बेस्ट बुक आपको बता दूँ? हाँ, आपको एसएससी जीडी में जितने टॉपिक आने वाले हैं उतने टॉपिक पूरे इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि 15 ही क्वेश्चन आने वाले हैं। और दोस्तों इससे पहले आर्मी अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी दोस्तों सारे टॉपिकों के नाम पता रहेंगे। और दोस्तों जो है आपका जो आपके पास जो बुक है किसकी जो प्रैक्टिस सेट वाली बुक आएंगी उसमें भी सारे चैप्टर लिखे होंगे कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछने वाला है। और दोस्तों अग्निवीर का जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी लिखा रहेगा कि जिस कौन से चैप्टर से क्वेश्चन पूछने वाला है। तो दोस्तों जिस चैप्टर से क्वेश्चन पूछने वाला है वो चैप्टर आप इस मैथ की जो बुक स्क्रीन पर दिखाई दे रही है आपको उससे दोस्तों कवर कर लीजिएगा, यानी जो मैथ की बुक है इससे आपके जो चैप्टर से अग्निवीर में क्वेश्चन आने वाले हैं वो चैप्टर को आप इस बुक से तैयार कीजिएगा, तो इससे आपका दोस्तों मैथ का भी जो है अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। अब बात की जाए दोस्तों रीजनिंग की, तो रीजनिंग में दोस्तों केवल 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी रीजनिंग में कोई ऐसा भारी क्वेश्चन आने वाला नहीं है। वही क्वेश्चन आएंगे कोडिंग, डिकोडिंग, न्याय संगतता, वेन डायग्राम, यानी नॉर्मली क्वेश्चन आएंगे ये। तो दोस्तों इसके लिए भी दोस्तों आपको जो अग्निवीर का नोटिफिकेशन आएगा उसमें दोस्तों सिलेबस के आधार पर देखा जाए तो वहाँ पर भी रीजनिंग के चैप्टर दे दिए जाएंगे, तो आप उन चैप्टर को ये जो बुक दिखाई दे रही है ये भी एसएससी जीडी की ही बुक है, तो इससे तैयार कर लीजिएगा, है ना। तो इससे आपका पूरा सटीक हो जाएगा और आपको अगर से रीजनिंग की बुक लेना है तो ले सकते हैं, नहीं तो फिर आप दोस्तों इसे दोस्तों जो है ये जो चैप्टर जो आपके रहेंगे रीजनिंग के उससे अन्य बुक से भी कवर कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि इसमें 5 ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो इसके लिए ज़्यादा कुछ एक बुक लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि सभी की कंडीशन नॉर्मल रहती है, मिडिल क्लास फैमिली का बंदा ही दोस्तों तैयारी करता है अग्निवीर की। तो दोस्तों आप ले भी सकते हैं रीजनिंग की या नहीं भी ले सकते हैं, किसी अन्य बुक से भी जो आपके पास अवेलेबल हो उससे भी तैयारी कर सकते हैं। अब मेन बात की जाए दोस्तों आपका मैथ हो गया और आपका दोस्तों इसके साथ मैथ के साथ साथ आपका रीजनिंग भी हो गया। अब इसके बाद मेन बात करेंगे हम जीके की और जीएस की, है ना। तो जीके की और जीएस की, तो इससे इसके लिए बात की जाए तो सबसे पहले अपने को अग्निवीर के सिलेबस के आधार पर दोस्तों जो है तैयारी करना है। हमें यूपीएससी की तो तैयारी करना नहीं कि हम इतनी मोटी बुक लेके तैयारी कर ले, हमें दोस्तों नॉर्मली बुक से तैयारी करना है और उसी का रिविज़न करना है। दोस्तों सबसे पहली बात, ये जो आप बुक देख रहे हैं यहाँ पर दोस्तों
आपको दिखा है कि जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान और सामान्य विज्ञान। दोस्तों सामान्य ज्ञान से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं जो 30 नंबर के रहेंगे और सामान्य विज्ञान से 15 क्वेश्चन आने वाले हैं जो भी 30 नंबर के रहेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर जो बुक दिख रही है इसे आप फ्लिपकार्ट पर आसानी से सर्च कर लीजिएगा कि इंडियन आर्मी अग्निवीर बुक, तो दोस्तों वहाँ पर ये आपको बुक मिल जाएंगी। और यहाँ पर दोस्तों ये चार पोर्शन में रहेंगी बुक, जिसमें चार पोर्शन में क्या रहेगा, एक तो आपका दोस्तों पूरा सॉल्यूशन वाली रहेंगी जीके जीएस वाली, और उसके साथ साथ दोस्तों तीन प्रैक्टिस सेट वाली रहेंगी। और आप हो सके तो तीन प्रैक्टिस सेट वाली न लेते हुए केवल जीके जीएस वाली लेना चाहते हैं तो दोस्तों ये भी आप वहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ ये भी आपको वहाँ पर आसानी से मिल जाएगी, है ना, यानी सिंगल बुक भी मिल जाएगी ये जीके जीएस वाली। और आप मेरे हिसाब से तो आप दोस्तों प्रैक्टिस सेट वाली भी ले लीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस सेट वाली ले लेंगे तो आपकी दोस्तों प्रैक्टिस के आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएंगी, प्रैक्टिस करने के लिए आपके पास मटेरियल अवेलेबल होगा। तो दोस्तों ये बुक है तो आपको समझ में आ गया, एक तो बिज्जू सर वाली और दूसरी दोस्तों मैथ की एसएससी जीडी वाली और रीजनिंग की भी एसएससी जीडी वाली। और दोस्तों चौथी बात की जाए तो जो मैंने जीके जीएस वाली बताया, इसमें चार बुक आ रही है, एक प्रैक्टिस सेट के साथ भी आ रही है। तो दोस्तों आपको प्रैक्टिस सेट्स वाली सात वाली लेना है वो ले लीजिए, यानी कॉम्बो वाली, या फिर दोस्तों सिंगल जीके जीएस वाली भी आप ले सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों आपकी तैयारी आसानी से हो जाएंगी। और रही बात दोस्तों ऑनलाइन अगर से आप स्टडी करना चाहते हैं तो सबसे अच्छा दोस्तों अभी अग्निवीर के हिसाब से देखा जाए तो जो आर्मी स्टडी बिज्जू सर का चैनल है वो तो बेस्ट ही माना जा रहा है, सभी लोग भाई लोग उन्हीं का नाम बताते हैं। तो दोस्तों यही था वीडियो, अगर से वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तो अगले जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।